मिलके हमारे समधी साहब भी आए हुए हैं, उन्होंने बोले कि नहीं से चलिए मैडम हम लोग का सहयोग करना चाहते हैं, हम लोग उसी मूसा समाज से आते हैं, अब हम लोग मदद नहीं करेंगे अपने समाज को तो कौन मदद करेगा। मतलब हम लोग जब घटना घटी थी जी। और मालूम चला था कि 80 घर जलाया गया, उस वक्त हम लोग भी दुख प्रकट किए। बता दे मित्रों, अभी हम नवादा में, कुछ दिन पहले नवादा अग्निकांड का जो एक घटना घटा गया था, जो पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत को झकझोर के रख दिया गया था। आज यहाँ जितने भी देख रहे होंगे, इधर एक बार कैमरा करके दिखा दीजिएगा, जितने भी यहाँ पीड़ित लोग हैं उनको मदद करने के लिए झारखंड से चल के आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं सही, झारखंड सबरी शिक्षा सेवा संस्थान के ट्रस्ट के माध्यम से लोग यहाँ पे आए हैं, इन लोगों को मदद कर रहे हैं। साथ में यहाँ से बारा चट्टी के पूर्व विधायक समता देवी जी है, कुछ खास बातचीत करेंगे कि क्या क्या इन लोगों के लिए मदद करने के लिए आए हैं। तो थोड़ा इधर सामने आइएगा, और सबरी सेवा शिक्षा सेवा संस्थान के जो ट्रस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा किस तरह से रोटी कपड़ा है, चावल है, बहुत सारे जो है अनाज है, साड़ी भी है, सब चीज लेकर आए हैं, इन लोग के बीच दान देंगे, इन्हीं से बातचीत करेंगे। स्वागत है मैडम के डेलूज में। देखिए हम लोग जब घटना घटी थी जी। और मालूम चला था कि 80 घर जलाया गया, उस वक्त हम लोग भी दुख प्रकट किए, बहुत दुख वाली बात है। उसी बीच में हम लोग भी पार्टी द्वारा हम लोग को कमेटी गठन हुआ था, उसमें भी आए थे, उसमें भी हम लोग मदद किए, कपड़ा वपड़ा बच्चे लोग के बांटने का काम किए। साथ साथ इस बार हम लोग झारखंड से चल के सब हम लोग एक बात हम लोग किए थे आपस में कि वहाँ का बहुत स्थिति खराब है, और वहाँ सारा बर्तन उर्तन कपड़ा लत्ता राशन उशन सब जल गया है, तो हम लोग मदद करना चाहिए, काहे कि हम लोग उसी मूसा समाज से आते हैं, अब हम लोग मदद नहीं करेंगे अपने समाज को तो कौन मदद करेगा। मतलब यहाँ देखकर आपका दर्द छलका और अपने समाज के लिए खड़ा हो गए। जी जी जी, तो खड़ा हो गए, और हमारे जितने भी झारखंड के और बिहार के दोनों मिलके हमारे समधी साहब भी आए हुए हैं, उन्होंने बोले कि नहीं से चलिए मैडम हम लोग का सहयोग करना चाहते हैं, वे सहयोग करना चाहते हैं तो हम लोग भी सहयोग करेंगे, अभी कीजिएगा पूरे समाज सहयोग करेगा, इसीलिए हम लोग आए हैं, कुछ राशन लेके आए हैं, साड़ी लेके आए हैं गरीबों में बांटने के लिए। मतलब आप तो ऐवे किए हैं, अब अपने समधीन जी को भी समधी जी को बोल कर आए हैं कि नहीं हमारे जात के लोग हैं, हमारे बिरादरी के लोग हैं, इन्हों मदद करनी चाहिए। जी जी जी। क्या आप ही इधर थोड़ा कीजिएगा, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ जोगेंद्र प्रसाद। जोगेंद्र जी, आपकी समधन जी विधायक है। जी जी। और क्या बोले कि आप गरीबों के बीच और अपने ट्रस्ट सबरी शिक्षा सेवा संस्थान को लेकर बैनर तले लोगों को मदद करने के लिए पहुंचे? जी जी, हम लोग ने ये विचार किया, आपस में सहमति बनी जी ये संस्थान की ओर से, कि हम लोग समाज के लोग हैं और भी अन्य जाति के भी लोग हैं समाज के हैं जो प्रभावित हैं, तो हम लोग को चाहिए कि उन लोगों को मदद किया जाए। आप झारखंड से चल कर आए हैं, बिहार में सरकार है, बिहार में आपके जात के लोग केंद्र में राज्य में दोनों में मंत्री है, उन लोग आए तो शायद क्या नहीं दिए हो, तो सबको दिखा, हम वीडियो भी चलाए हैं, आप लोग झारखंड से चल के आए, कहीं ना कहीं बिहार सरकार को खड़े तमाचा मार रहे हैं। नहीं नहीं, वैसा नहीं, हम लोग सिर्फ अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बिहार सरकार पे तो इन लोग का, बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा ना, फिर आप लोग झारखंड चल के आए, क्या लगा कि बिहार सरकार इन लोग का व्यवस्था नहीं दिया, हम लोग झारखंड, हमारे दर्द है, हमारे कास्ट के लोग हैं, हमारे जाति के लोग हैं। जी, जी जी, हम लोग अपने समाज के प्रति निष्ठावान हैं, और फिर बाद में भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ आने का प्रयास करेंगे, बाद में भी जरूरत पड़ेगी तो आने का प्रयास करेंगे। देखिए समता देवी की जी के साथ उनके सहयोग से सबरी सेवा संस्थान के लोग बहुत सारे हैं, शायद ये वहाँ का अध्यक्ष है, देखिए इस संस्था का अध्यक्ष है, इनसे खास बातचीत करेंगे कि क्या समझे और इस अपने जाति और समुदाय के लोगों के लिए खड़े हो गए और आकर वितरण भी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इंद्रदेव भैया हुआ जी। हम लोग, मैं सबरी शिक्षा सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ। हम लोग एक संगठन, हम लोग सर ट्रस्ट चला रहे हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली कि इस क्षेत्र यहाँ पर ये अग्निकांड हुआ, जिससे कि लोग यानी प्रभावित और निर्दोष लोगों के घरों को जला दिया गया, उससे हम लोग को मन में बहुत मर्माहत हुई, और हम लोग ने एक महसूस किया कि क्यों ना हम लोग भी उसका दुख में हम लोग शरीक होकर के उनका दुख को बांटने का काम करें। हम लोग को विशेष योगदान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा यानी कि सहयोग दे रहे हैं, ताकि कुछ थोड़ा सा उनको मरहम यानी कि दवा लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ये आज देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसके देने से यहाँ की समस्याएं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक छोटा सा हम लोग को प्रयास है। हम इस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों को, धनबाद जिला के लोगों को ये ऐसा लगा
कि नहीं हम लोग को चल करके जो भी समर्थ हो हम लोग को वहाँ पर सहयोग करना चाहिए, और उसी उद्देश्य और उसी भावना के लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं और अपने लोगों के बीच में, लोगों को जो प्रभावित परिवारों के बीच में एक राशन है, चावल है, दाल है, तेल है, नमक है, साड़ी है, ये हम लोग उन लोगों को बीच में यानी वितरण यानी कि करने के लिए आए हैं। शायद उनको यानी कि दुख थोड़ा सा कुछ हम लोग यानी कि कुछ उनको कम या हो, ये हमारी भावना के साथ में हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग डोनेट करने के लिए आया हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये लोग जो है धनबाद से चल के आए नवादा बिहार की धरती पर और अपने समुदाय के लोग के लिए खड़े। आज विगत लगभग 18 तारीख की रात ये घटना हुई थी जहाँ तक हमें मालूम है ना जी, और आज लगभग 12-15 दिन हो चुका है और उसके बाद भी इन लोग मदद करने आए और इनका कहना है कि हम लोग आगे भी आकर मदद करेंगे और लगातार हम अपने जाति के और अपने जो भी हमारे बिरादरी के लोग, ऐसा नहीं और भी कहीं ऐसा घटना होगा तो हमारा ट्रस्ट वहां जाकर मदद करेगी। बाकी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। इधर आइएगा सर, थोड़ा थोड़ा सामने आ जाइएगा, लाइट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरी कुमार चेता हुआ। हाँ, और सबरी शिक्षा संस्थान का संस्थापक हैं। संस्थापक आप हैं। क्या लगा आप यहाँ के पूर्व विधायक जी को लेकर और अपने समाज के जितने भी ट्रस्ट के सदस्यगण लेकर और यहाँ सेवा और मदद करने के लिए आ गए हैं? जैसा कि हमारे लोग अभी अभी तुरंत बताएं कि मीडिया और सोशल मीडिया के मार्फत हम लोग को ये सूचना मिली जी कि यहाँ पर नवादा में जो है सो दलित परिवारों में से, दलित समाज में से मानवता को शर्मसार किया गया असंगठित तत्वों के द्वारा। इसको घिर मैंने घोर निंदा करते हुए हम लोगों ने इनकी दुख पर थोड़ा सा पहल करने का प्रयास किया है कि ऐसे लोग के विपत्ति के समय में अगर यह सहयोग नहीं मिलेगा तो स्थिति और थोड़ा सा भयावह हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है ऐसे भी तो हमारा संस्था का नाम ही ट्रस्ट सेवा संस्थान है, तो ये जो है सब जगह जगह पर हम लोगों ने जहाँ पर विपदा होता है उसको जाकर के हालचाल लेकर के हम लोग करते हैं। थोड़ा सा उसको दुख को कम करने के लिए जो खाद्य सामग्री जो हमारे बीच में आया है जो उसको हम लोग दे करके थोड़ा सा प्रोत्साहन करेंगे। और हमारे सारे धनबाद जिला का टीम है, वो हमारे संगठन का सदस्य सारे लोग हैं, पदाधिकारी हैं और यहाँ तक जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच में हैं, और ये सारे लोग हम लोगों ने सोचा मैडम समता जी हैं, ये काफ़ी हम सहयोग मैंने करती चली आ रही हैं और हम चाहते हैं कि फिर ऐसी समुदाय जो हमारे लोगों जो मुसर समुदाय के अलावे और हमारे ही लोगों को जैसा और बहुत सारा समुदाय है जो ऐसे ऐसे पीड़ितों से ऐसा ही घटना से पीड़ित हैं, हम लोगों ने उसको भी मैंने जो है ऐसा नहीं है कि अपने ही लोगों को है, वैसे ही लोगों को भी हम लोग सहयोग करेंगे और सहयोग के लिए जो है से हम लोग आए हैं, कुछ मन दुख हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग पूरे समाधान ट्रस्ट के द्वारा आए हैं। और बता दें आप लोग मुसहर समाज से आते हैं, आप ही का समाज के एक मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, संतोष कुमार सुमन जी जो एक केंद्रीय मंत्री है, पिताजी और बाप बिहार में मंत्री हैं। क्या लग रहा है उन लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं अपने समाज के प्रति? बिहार में बहुत जगह ऐसे हैं जो रोड के किनारे रहते हैं, तंबू छाड़ कर रहते हैं, उन लोग के लिए रोज क्यों नहीं कुछ करते हैं? क्योंकि वो मंत्री है, वो चाहेंगे तो सबके लिए आवाज़ उठाएंगे और आपके समाज के जितने भी लोग रहते हैं सबका कल्याण होगा। वो तो मंत्री हैं, वो तो अपना स्तर से कर रहे हैं, जहाँ तक लोगों का यहाँ पर मैंने जो है सो क्या आकर के सहयोग किए नहीं किए हैं इन लोगों के बीच में जो है से हम लोगों ने वो टीका टिप्पणी और उनकी कारनामों के विषय में उल्लेख नहीं करने के लिए आए हैं। हम लोग ट्रस्ट के मार्फत हमारा जो बनता है हम लोगों ने उसको करने के लिए आए हैं। हम लोग चाहते भी हैं ट्रस्ट के माध्यम से उनको कहना चाहते हैं, हमारे लोग काफ़ी पीड़ित हैं, काफ़ी अशिक्षित हैं, इसको ज़रूरी है जागरूकता की आवश्यकता है, साफ सुथरा स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और समाज में एक अच्छी व्यवस्था को कायम करने के लिए अभी मौका है हम उनको कि अपने लोगों को जो दलित परिवार में से है काफ़ी मतलब जो है से शिक्षा के अभाव में अपनी बदहाली को जो है से नीचे ले चला गया है, शराब को जो लत हो गया है जिसके कारण जो है से हमारे लोग जो है से काफ़ी पिछड़े हो गए हैं जिसका कारण भी है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से आवेदन करना चाहेंगे या कहना चाहेंगे कि भाई शराब को छोड़िए और किताब को ले कलम से लेकर के नाता जोड़िए और एक शिक्षित परिवार, एक शिक्षित समाज की परिकल्पना कीजिए, समाज बनाइए
और संगठित रह करके अपनी दुख सुख में शामिल हो करके और हर मुसीबत को मुकाबला करने के लिए और सही काम मने करते जाइए। यह बाबा साहब का संविधान दिया हुआ है, आपका अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार के तहत आपको काफ़ी मने अधिकार दिया हुआ है, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि संविधान आपको क्या अधिकार दिया है। उसी के तहत आज जो हमारे संसद में सरकार में है वो आरक्षण कोटा के मार्फत मतलब जो है से हमारे काफ़ी लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दलित परिवार के लोगों को एससी एसटी ओबीसी के विषय में कहीं कोई सवाल नहीं उठाता है। ये बहुत निंदनीय है, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार के विषय में उन्होंने बात नहीं करता है और जिसके अधिकार से यहाँ से चुन करके जाता है और उसके अधिकार की बात नहीं करता है। इसलिए हम लोग यह कहना चाहेंगे कि उनको इनकी बात के विषय में करना चाहिए और जो सरकारी कार्य योजना है इन लोगों के बीच में डेवलपमेंट करना चाहिए। इसी ये हम अपना ट्रस्ट के माध्यम से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने बातों को रखे हैं, आए और बहुत अच्छे से अपने समाज के लिए खड़े उतरे और जो भी चाहिए इनको उपयोग के लिए समान व्यवस्था करके इन लोगों के बीच वितरण किए। बाकी आप देख रहे थे केडीएल न्यूज, हमें सूरज कुमार, जय हिंद।